सरस्वती पांच अक्ष से हालेलुया। बिशप जी इस बैन की गवाही है कि इस बैन के पिछले एक साल से जी पर कैंसर था। डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कैंसर के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे क्योंकि ये खाना ठीक से नहीं खा पाते थे। ज्यादातर अपना भूख मिटाने के लिए ये पानी का सहारा लिया करते थे और पानी ही पिया करते थे क्योंकि कैंसर के कारण इनकी जीभ में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। फिर ये चमत्कार चर्च में आए, वह प्रार्थना करवाई आपसे ले हैंड, उसके बाद ये पहले से ठीक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चंगाई दी है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया। मैं बहुत दुखी, मैं की कौन करता मैं सारा कुछ खाऊं, रोटी पानी खाऊं, मैं बहुत सुखी हूं। हालेलुया। मैं बहुत शौकी हूँ। हालेलुया। अरे प्रभु है, प्रभु सब तो ही है। मैंने बच्चा हाल ही में धन्यवाद आपके जीभ पर कैंसर था। जीभ के कैंसर सर मेरे, मतलब रिपोर्टों में आया था कि जीभ पर कैंसर है। रिपोर्टों में आया ऐसी कि मैं बीकानेर पे, बीकानेर कैंसर हॉस्पिटल जो है उनके ऑपरेशन कराओ, जिसे सेका लगवाओ, ऑपरेशन कराओ और सेका लगवाओ। मैं तब पे आई हो तो निकल गई बाहर। ओके, आ गई मैं। आप हॉस्पिटल से फिर बाहर निकल कर आ गए? फिर बाहर आ गए मैं घरे। मैंने कहा दवाई कौन दे रहा, तन कौन सी कर रहा हूँ मैं। तो मेरे बेटा भी मैंने सारा मेरे पास हो दे गया मैंने। नहीं फिर रोटी नहीं खाते थे आप? पानी सारा जीते जी, सिर्फ पानी पीते थे, पानी पीते थे, पानी पीते थे। तो फिर आप यहाँ चंपारण में? मैं तीन रोटी खाऊं मैं। आप तीन रोटी खाते हो? तो आप यहीं आए, चंपारण में आए थे? हाँ। फिर प्रार्थना करवाई? प्रार्थना के बाद ठीक हो? प्रार्थना के बाद ठीक हूँ मैं। किसने चंगा किया? किसने चंगा किया? प्रभु ने चंगा किया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इसी बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने इन्हें इसके जेब के कैंसर से छुटकारा दिया, हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें दोनों हाथों से। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बड़ी बात के लिए। यह मामूली सी बात नहीं है। लोग मौत के मुंह से बचकर आते हैं, ये बड़ी गवाही है। परमेश्वर का धन्यवाद करें हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया, वो हर बीमारी को कैंसिल कर देता है। हालेलुया।